अब आते हैं अलजेब्रा। तो आपने अलजेब्रा में कल मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आप सभी लोगों ने वो आइडेंटिटी अपनी कॉपी में लिख ली क्या? हाँ या ना में जवाब दो पहले तो सब लोग। लिख ली तो उसके बाद उसको क्या करना है, अपने जहां भी टेबल पे आप बैठते हो, उस जो नए स्टूडेंट है उस टेबल पे चिपका लेना है बड़ा बड़ा लिख के। क्यों? क्योंकि अचानक से कुछ भी याद नहीं होता। बार बार जब बैठोगे तो मैं चाहता हूं कि केवल आप केवल 5 मिनट दे दो डेली, पढ़ लो बस। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। हाँ, और ये काम आपको करते रहने से ही आपका काम चलेगा। समझ में आई बात? चलिए, चलिए। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मैंने आपको डिस्कशन कराया और सारी की सारी चीजें पढ़ाई। अब हम चलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के यूज क्या है अलजेब्रा में, अलजेब्रा में यूज क्या है मेन। अब अक्सर आपने देखा होगा कि ये एक वेरिएबल वाली बात आ जाती है कि a प्लस 1/a फॉर्म। अलजेब्रा में सबसे जरूरी फॉर्म है a प्लस 1/a फॉर्म, ठीक है माय डियर। अब इस a प्लस 1/a फॉर्म को किस तरह से आपको चीजें देखनी है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि a प्लस 1/a बराबर, अगर आपको p दे रखा है, कंसेप्ट लिख लो, तो क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। तो आपको अगर मैं बोलूं कि डायरेक्टली अगर आप a स्क्वायर प्लस 1/a² निकाल के बताओ तो आप क्या करोगे, आप इसका होल स्क्वायर कर दोगे। अब जैसे ही आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a से a कट जाएगा तो p स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अब ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या को अगर सिमेट्रिक तरीके से दिख रहा है, सिमेट्रिक तरीका क्या होता है मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, एसिमेट्रिक तरीका क्या होता है मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन सारी चीजें आपको यहां समझनी होंगी। क्या है सर, a प्लस 1/a बराबर अगर p है और मैं a स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो a प्लस 1/a का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना भाई? बोलिए भाई साहब, सभी विद्यार्थी बोलिए, यही ना होगा? बोले यस सर, बिल्कुल यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा हमें तो, जानकर भी अच्छा लगा और अच्छा भी लगना चाहिए। चलिए आइए, अगर हम आगे बात करना चाहते हैं तो आपके सामने ये क्या है, a प्लस 1/a, ये अगर p हो गया तो मैं कहता हूं ये p स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू आपको निकालनी ही है, a स्क्वायर प्लस 1/a² और ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप ये देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर p स्क्वायर माइनस का 2, ये आपका आंसर आ जाता है, प्रूफ हो गया सर ये। चलिए, अब प्रूफ अगर हो गया तो अब आपको बस इतना सा ही आता है क्या? एक चीज आप देख रहे हो कि ये 2 अकेला आया है यहां पर, कोई कॉफिशियंट नहीं आया इसके साथ। कॉफिशियंट का मतलब होता है गुणांक, इसलिए नहीं आया क्योंकि लिखो यहां पर ये एक इसलिए हो गया, ये a से a इसलिए कट गया, ये 2 इसलिए आ गया क्योंकि यहां सिमेट्रिक है। यानी कि अगर a इंटू 1/b कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी मान लीजिए, अगर सिमेट्रिक आ रहा है इसी वजह से एक आया, अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता तो a अपॉन 1/a जो भी कुछ होता, a अपॉन b मान लीजिए, उसका मल्टीपल आता, एग्जिस्ट करता। लेकिन अभी आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, वो अभी हम धीरे धीरे सब चीजों को लोड लेंगे, ठीक है। आइए आइए आगे चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं। a प्लस 1/a बराबर अगर मैंने बोल दिया 3 है तो मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होगा, ऐसे ही करके सॉल्व।
तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा सर, ये अगर p है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 9 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 7। अब आपने देखा कि किसी भी पावर को, सिंगल पावर को अगर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली p स्क्वायर माइनस 2 लगा देते हो। क्या इतनी सी गणित है क्या? बिल्कुल, इससे भी प्यारी है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे ये बोल देता हूं मेरे प्यारे मित्रों कि a की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 9 है, तो मुझे बताइएगा कि a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब क्या होगा। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस अपना आंसर सही देना है। चलिए तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इससे इस पर जा रहे हो तो ये एक तरीके से क्या है, आपने इसका स्क्वायर ही तो किया है। सिमेट्रिक है क्या? बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर वही कंसेप्ट लगा सकते हो डायरेक्टली, 9 स्क्वायर माइनस का 2 81 माइनस का 2 79। तो ये हमेशा आवश्यक नहीं है कि केवल और केवल इसके लिए अलाउ है, अगर कहीं पर भी स्क्वायर हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने लिखा a प्लस 1/a बराबर रूट 3 है, रूट 3 की जगह अपन लिख देते हैं रूट 5। तो आप मुझे बताइए a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 क्या होगा, अपने लगाओ दिमाग लगाओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, अभी जस्ट हमने सीखा ना कि हमारा जो स्टेप है वो स्क्वायर रहता है, अगर मैं इससे स्क्वायर पे चला जाता हूं तो मैं एक पड़ाव आगे चल गया और ये p है तो ये p स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये कितना हो गया, 3 हो गया। वेरी गुड, क्योंकि सिमेट्रिक है, कोई टेंशन नहीं है आपको। अगर मैं इससे इधर जा रहा हूं तो ये मेरा p बन गया, अब p स्क्वायर माइनस का 2, तो 9 में से 2 गया तो 7, तो आपकी जो आंसर आने वाला है फाइनल वो 7 आने वाला है। तो क्या आप सभी का राइट आंसर 7 आ रहा है क्या? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, यही तो चीज सीखनी है ना हमें कि अगर हमें 4 पर भी जाना है तो अब आपको पावर 4 वाला भी आंसर निकालना मिल गया ना, आप पावर 4 अब निकाल सकते हो सेकेंडों में, क्योंकि आपने देखा कि ये रूट 5 है, मैंने इसको स्क्वायर में बदला, स्क्वायर से फिर 4/4 पे गया, क्योंकि मैं पर्टिकुलर स्क्वायर पे बात कर रहा हूं और उसका स्टेप होता है पी स्क्वायर माइनस का 2। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप सीढ़ी पर खड़े हो, यहां पर आपको जाना है 8 पे जाना है, तो क्या करोगे, स्क्वायर पे जाओगे, स्क्वायर से 4 पर जाओगे और 4 से फिर 8 पर जाओगे आप, क्योंकि हां क्योंकि रीजन आपको पता लग गया होगा, क्योंकि स्क्वायर पे आप पी स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2 लगाते रहोगे और ये पी चेंज होता रहेगा हर किसी के लिए। आइए सर आगे देखते हैं, आगे एग्जांपल मैंने आपके सामने रख रहा हूं, जवाब देना मेरे को आप, एक्स 1/4 प्लस 1 अपॉन एक्स 1/4 बराबर 3 है, तो आप मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा।
लगाइए दिमाग सभी विद्यार्थी, एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे हम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सीढ़ी पता लग गई, इसकी एक जो लैडर चलने वाला है वो ये चलने वाला है कि 1/4 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 होगा, 1/2 का करोगे तो 1 होगा और 1 का करोगे तो 2 होगा। तो इस तरह की अपने को जाना है। तो यहां पर हमारे पास पी है, तो अगर हम ये निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2, तो पी स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 7, और x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 47, और x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा 47 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि ये अपने अपने पास आ जाएगा 2207 है ना। चलिए तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई क्या दोस्त? जल्दी से बता दीजिए मुझे, ठीक है? चीजें आपके सामने क्लियर हैं कि किस तरह से आप जा रहे हो। आपको मैंने एक चीज बताई थी बस, आप उसको किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हो पी स्क्वायर माइनस टू को। यूज पता लग गया। ऐसा कभी नहीं होता कि वो एक सिंपल फॉर्मूले के लिए है। आप ये देख रहे होंगे कि आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। इवन आपको अगर मैं ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में दे रहा हूं कि x की पावर 92 प्लस 1/x² बराबर 4 है, तो आप कर सकते हो 184 प्लस एक्स की पावर 184 क्या होगा बताइए। तो सिंपल है ना भाई, है तो ये स्क्वायर ही, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा यानी कि 14 हो जाएगा। तो चलो आपको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब चलते हैं आगे। आइए अगर मान के चलिए कल को मैंने बोल दिया ए एक्स प्लस 1/bx है बराबर आपका पी है, तो आप मुझे बताइए ए एक्स का स्क्वायर प्लस 1/bx का स्क्वायर क्या होगा। सर आज परसेंटेज स्टार्ट होगा ना अमित? फ्यूचर में नहीं, पास्ट में हो चुका है। 9 बजे क्लास होती है सुबह, तो जो 11 बजते हैं सुबह के वो बाद में बजते हैं, 9 पहले बज जाते हैं। तो वो जो सुबह 9 बजे अनअकैडमी पर क्लास होती है वो परसेंटेज का पहला टेस्ट हो गया, पूरा रिवीजन कराया, बहुत सारी चीजें बताई। अब कल अगले दिन 9 बजे होगा, कैच द मैच 3 बजे होता है ना, कैच द मैच 3 बजे होता है। अब ये कैसे करेंगे हम? तो कंसेप्ट वही है, आपको एक्सप्लेन करता हूं बाया पूरा प्रूफ के माध्यम से। सर इसका होल स्क्वायर कर रहे हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax इंटू 1/bx बराबर पी स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया हमने इसलिए। तो यहां हम ये कह सकते हैं क्या कि x से आप x काट दो। तो मैं यही समझा रहा था अभी आपको कि अगर आपको ये निकालना है ना तो आप पी स्क्वायर माइनस 2a/b कर सकते हो। पी स्क्वायर माइनस 2a/b, ठीक है? क्लियर भाई? चलो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बता देता हूं, और इसमें कहता हूं कि ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है,
आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। जैसे कि हमने यहां लिखा 2x प्लस 1 अपॉन 3x बराबर 9, तो आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा कि 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर क्या होगा, बताओ। पूछ लेगा तो पूछ लेगा भाई, बताना पड़ेगा। तो कैसे करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9 का स्क्वायर माइनस का 2, ये तो होता ही है। अब a अपॉन b में क्या लोगे, ये नहीं लेने, ये वाले लेने हैं, क्योंकि एक्चुअल तो a और b यही है ना, वो तो नीचे स्क्वायर था। यस, तो आंसर जो आपका आने वाला है वो आने वाला है 81 माइनस 4 बाय 3। 81 में से अगर मैं 80 बना देता हूं इसको, माइनस 1 बाय 3, और इसको भी अगर लिखना चाहते हो तो 79 2 बाय 3, तो 79 2 बाय 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है, हर एक चीज समझ में आ रही है अच्छे से, वही जरूरी है डियर, है ना, वही जरूरी भी है, ये एक एक चीज आपको मैंने समझाई है। आइए आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल मैं बताता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने लिखा 3x प्लस 1 अपॉन 2x बराबर अंडर रूट 7 है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप निकालें 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर क्या होगा, बताइए भाई। बताओ बताओ, समझो कि वो चीज है या फिर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आइए चलो, यहां हम ये कहते हैं सर कि आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3x का स्क्वायर 4x स्क्वायर थोड़ी हो सकता है, फिर तो फिर क्या, फिर आपको वो काम करना पड़ेगा जिससे कि यहां 2 बन जाए। अच्छा, तो 2 बनाने के लिए 3 को हटाना पड़ेगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 बाई 3 का गुणा करने पर। अब जैसे ही 2 बाई 3 का गुणा आपने यहां किया, ऐसे आ गया। कोई दिक्कत आप लोगों को, आप में से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही होगी, मुझे पता है भाई आपने कुछ नहीं किया, आपने ये क्यों किया, इसके पीछे रीजन यही है सिर्फ और सिर्फ कि यहां 3x है और यहां 4x स्क्वायर है, चलेगा ही नहीं, यहां 2x बनाना है आपको, तभी ये स्क्वायर हो सकता है, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इसको 2x बनाऊंगा तो 3 को उड़ाना पड़ेगा, 2 को लगाना पड़ेगा, तो 2 बटे 3 का गुणा कर दिया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कहानी क्या बन गई, 2x प्लस 1 अपॉन 3x बराबर 2 रूट 7 अपॉन 3। यस, अब आपको पता लग रहा होगा कि ये इसका स्क्वायर बन सकता है। अब आप आपका p जो है वो ये है, लगा दो p स्क्वायर यानी कि 4 बटे 9 इंटू 7 माइनस 2 हो जाएगा क्या, केवल नहीं 2 नहीं होगा, वो 2 बाई 3 आएगा ना, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 ab वाला कंसेप्ट है, क्योंकि सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक तो है नहीं दोस्त। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, सॉल्व हो गया, 7 चौके 28 बटे 9, और यहां मैं लिख सकता हूं 4 तिया 12 बटे 9, तो 28 में से 12 चले गए तो 16 बटे 9 आंसर आ जाएगा। कैसा लगा, क्या आप में से सबको तकलीफ हुई है क्या, या किसी किसी को हुई है, या नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान मत होइएगा, ये सारे कंसेप्ट हम कर रहे हैं,
इसलिए तो पढ़ रहे हैं। लेकिन आराम आराम से मैंने बताया है कि भाई कोई दिक्कत ना आए, आप चीजें समझ पाए अच्छे से, है ना, क्लियर। सभी तरह के प्रश्न करेंगे ना, तब जाके और क्लियर हो जाएगा। चलिए, कोई तकलीफ नहीं है, अगला प्रश्न करें फिर आप, तकलीफ को और दूर करें और बढ़िया करें क्वेश्चनों को। देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, जवाब बस दे देना, है ना, जवाब बढ़िया होना चाहिए आपका। देखना, मैंने अगला क्वेश्चन रखा आपके सामने, 5x प्लस 1/3x बराबर, 5x प्लस 1/3x बराबर 5 आ गया। मुझे बताइए 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर बराबर क्या होगा। आंसर देखिए बताओ क्या होगा। जल्दी करो, आइए। कैसे कर रहे हैं हम लोग, हम वैसे ही कर रहे हैं सर, जो तकलीफ नहीं हो, जिससे 5x है या 9 आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि 9 तो बन ही नहीं सकता, तो इसको 3 बनाना पड़ेगा, तो 3 को ऊपर चिपकाना है और 5 को हटाना है। 3/5 का अगर आप पूरे में गुणा करोगे इस प्रकार, तो ये कहानी यूं गढ़ जाएगी आपके सामने। अगर इस तरह की कहानी आपके सामने आ रही है, तो 5 से आप 5 काट दिए, 3 से आप 3 काट दिए और 5 से आप 5 काट दिए। अब आपका बन क्या गया, ये बन गया 3x प्लस 1/5x बराबर 3। आपको इसी का स्क्वायर वाला कंसेप्ट ही तो चाहिए, तो ये अगर p है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 2, केवल 2 आएगा क्या, नहीं 3/5 भी होगा साइड में, क्योंकि वो इसी से तो बना है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3 × 9, 9 में से 6/5, 45 में से 6 अगर चले गए तो 39/5, यही सब आ रहा है क्या, 39/5 आ रहा है स्टूडेंट्स का, बहुत बढ़िया यार, चलो आंसर तो आए, चलिए बहुत बढ़िया आई, अच्छा लग रहा है भाई, ढंग से आंसर दे पा रहे हो कम से कम तुम लोग, है ना। अब ये चीज आपको भी क्लियर हो गई, जहां पर सिमेट्रिक ना हो वहां पर डायरेक्टली मत लगाओ पी स्क्वायर माइनस 2, ये ए और बी जो आ रहा है ना वो आपको लेना पड़ेगा, ये बात क्लियर है भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे अगले कंसेप्ट पर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर एक्स प्लस 2/3x बराबर 4 है, तो 8x³ प्लस 1/27, सॉरी 4x² प्लस 1/9x² क्या होगा। क्या कर सकते हैं सर, हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए था,
वहां पर 4x है। अब यहां तो आपको दिख रहा होगा कि 4x तो है, लेकिन 4x का स्क्वायर थोड़ी बनता है 104, आपको यहां केवल 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगवाया कि कुछ कम चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं और ये 4 की जगह 2 हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर कर सकते हो, तो ये क्या लिखोगे आप, पी स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गए तो 2, तो 2 विल बी योर राइट आंसर। क्या सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अगर ले रहे हो, लेकिन यहां पर 2/3 भी आएगा ही आएगा, तो 4 माइनस 4/3 8/3 आपका राइट आंसर होगा। 8/3 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आया, चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया बात है। तो क्लियर हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। चलिए, अब अक्सर आपको ये इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी हो जाता है कि कभी कभार कभी भी किसी भी माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ सकता है और प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्लस 1/x मेरे पास है 4 है और मैं चाहता हूं कि x माइनस 1/x निकालो, तो कैसे निकालोगे, क्या तरीका है इसके पीछे और क्या अप्रोच है, और जो मैंने कल पढ़ाया था वो क्या काम आने वाला है, सब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, रिवर्स, अरे भाई आएंगे सारे, रिवर्स वाले पहले नहीं हो सकते ना यार, पहले सीधा तो सीखो, तभी तो उल्टा समझ में आएगा ना भाई, है ना। हाँ चलिए आइए। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको माइनस प्लस से माइनस में कन्वर्ट करना हो, क्या करूं सर मैं, मेरे को तो आता ही नहीं है। मैंने कहा भाई तुम्हें आता है, आप लोगों को फॉर्मूला भी पता है कि यार देखो ये स्क्वायर वो कन्वर्ट करना है, तो मैं माइनस वाला ही कंसेप्ट लगाऊंगा, रीजन बताता हूं क्यों। और ये हो जाएगा 4ab, मेरी बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि ये कौन सा फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया, ये कौन सा फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया और वो फॉर्मूला आया क्यों। दोनों ही बातें, वो फॉर्मूला इसलिए आया मेरे प्यारे मित्रों जिससे कि 4ab ही लगाना पड़ा, जिससे कि सिमेट्रिक हो तो वो कट जाएगा, सिमेट्रिक जरूरी है ये बता दिया पहले ही, तो रखना नहीं है, समझ समझ के कर सकते हो। अगर आप इसको p मान रहे हो तो मैंने लो इसको p मान लिया, p स्क्वायर कर दिया, ये मुझे निकालना है। मैंने 4 को इधर ले आया और वो मैं इधर ले गया, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर तो रूट ले लो बस। क्या आपने यही पढ़ा है कि अगर आपके पास ये आपको निकालना है, ये दे रखा है तो माइनस के साथ माइनस आता है, अगर ये निकालना होता और ये दे रखा होता तो प्लस हो जाता, तो प्लस के साथ प्लस हो जाता है, तो ये कंसेप्ट है वो। क्या बात है सर, यानी कि अगर डायरेक्टली अगर आप सोचते हो तो पी स्क्वायर, ये पी है, माइनस निकालना है तो माइनस 4 यानी कि अंडर रूट 12, 2√3 आ जाएगा, अंडर रूट 12, पीछे का कंसेप्ट ये है। अब क्या कभी आपको ये रोक सकता है क्या फॉर्मूला, अगर मैं इसकी घात n लिख दूं, इसकी घात n लिख दूं, हाँ इसकी पावर n लिख दूं, इसकी पावर n लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। यानी कि कभी भी आप किसी भी सेम पावर को, कभी भी आप किसी भी सेम पावर के पॉजिटिव को किसी भी सेम पावर के नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लो, जैसे कि मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर अगर आपका 4 है तो मैं चाहता हूं कि आप निकालें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² कितना होगा भाई, ये बता दो, अभी निकाल दोगे 2 मिनट में।
चलिए तो यहां हम कह सकते हैं सर, अभी आपको बताया कि माइनस अब निकालना है, तो ये पी है ना, तो यहां आप इसको ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो कि पी का स्क्वायर माइनस निकालना है तो माइनस चार। सर क्या ये प्लस माइनस की दिक्कत आती है क्या? कुछ नहीं है, वो रटना नहीं है आपको, समझना है, सेम कॉन्सेप्ट हो गया, अंडर रूट बारह सेम। एग्जाम्पल x की पावर 98 माइनस 1 अपॉन x की पावर 98 बराबर मैंने 3 रख दिया, तो बताओ x की पावर 98 प्लस 1 अपॉन x की पावर 98, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि सेम पावर होनी चाहिए सारी। चलो चलिए तो ज्यादा कुछ खास बात नहीं लगी मुझे को, तो सिंपल सी बात है, पी स्क्वायर प्लस है तो प्लस चार, तो नौ और चार 13, अंडर रूट आंसर आ जाएगा, रूट थर्टीन आपका राइट आंसर आ जाएगा। हाँ भाई देखो चलिए क्लास में तो डेली मजा आता है भाई। चलिए सुबह 9 बजे 3 बजे 11 बजे सब पढ़ाई करो, बस अपने आप आ जाएगा। हाँ भाई छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, है ना, ये तो है ही। चलिए अब आते हैं आगे, अब चलते हैं, अब किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास वेपन आ चुका है, कभी भी किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी पावर हो, जैसे कि कोई भी पावर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर √15 ले लिया, लो बताओ x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, पूछ लेता है कभी भी, क्या फर्क पड़ेगा, करो क्या होगा बताओ, कर दो जल्दी कर दो। चलिए तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कि ये आपके सामने है और ये आपके सामने है, तो आप इसको क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे, 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 11। तो जिनका भी राइट आंसर आ रहा है रूट 11, बस हो गया काम। चलिए आइए सर, यहां तक हमारे पास ये सारी की सारी चीजें चल रही, अब अगला कॉन्सेप्ट भी हम यही कवर करते हैं। हमने स्क्वायर सीखा, हमने किसी भी पावर को किसी भी पावर में कन्वर्ट करना सीखा, एक एक करके आप अपने दिमाग में धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हो। मैं इसलिए थोड़ा सा तरीका चेंज कर चुका हूं अलजेब्रा का, कि मैं आराम आराम से चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, रीजन क्या है कि होच पोच ना हो जाए, हो जाता ना कि ये मेथड इसके अंदर चला जाता, ऐसा नहीं होगा। अब बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैंने पहले स्क्वायर सीखा, स्क्वायर में फिर हमने सिमेट्रिक थे पहले तो जो कट रहे थे, है ना, उसमें तो टेंशन ही नहीं थी, पी स्क्वायर माइनस टू, फिर नहीं कटने वाले, फिर किसी भी को किसी में भी चेंज करने वाले, अब आते हैं हम क्यूब पर, आ जाओ कि एक्स प्लस 1/x बराबर अगर पी है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होता है,
पी क्यूब माइनस का 3p होता है, इसके पीछे का रीजन भी आपको अभी प्रूफ के माध्यम से पता लगेगा। तो प्रूफ क्या होगा सर इसका, सिंपल प्रूफ है, अगर आप x प्लस 1 बाय x का होल क्यूब देख रहे हैं तो ये होगा a क्यूब, ये होगा b क्यूब प्लस 3ab, देखना इसलिए जानबूझकर ये 3ab इंटू a प्लस b कितना होता है, ये तो p है, तो जो ये p आया ना ये 3ab इंटू a प्लस b का है, और जो a प्लस b की वैल्यू p होती है बस। तो सिमेट्रिक देखेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो यहां आप देख रहे हो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब बराबर हो जाएगा p क्यूब माइनस का 3p। नोट डाउन कर लो, बॉक्स में डाल लो और फिर आ जाओ कंसेप्ट और फॉर्मूलास पर और क्वेश्चंस पर। क्लियर, वो p कहां से आया, क्लियर है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू p है। ओके चलो वेल डन। एग्जाम्पल ले लेता हूं हाथ के हाथ यहां पर कि x प्लस 1 बाय x बराबर अगर मैं बोल देता हूं रूट 3 है, तो आप मुझे बताओ x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब क्या होगा, इससे थोड़ा मजा आएगा। अब आपको यहां से कंसेप्ट बन रहा है, हालांकि उसको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप निकाल दोगे वही बात है। चलिए तो हम ये कह सकते हैं क्या सर कि ये अगर रूट थ्री है तो हम यहां कहेंगे पी क्यूब माइनस का 3p, आप ले लें पी क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 माइनस का 3√3, इसका मतलब ये शून्य के बराबर हो गया। तो ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है जो हमेशा आपको याद भी रखना है कि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर अगर p है या रूट थ्री है माफ कीजिए, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब जीरो होगा। क्लियर है भाई, अब ये आगे काम आएगा ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन है ना। चलो एक एग्जांपल क्लियर हुआ, अगला एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं कि x प्लस 1 बाय x बराबर अगर मैं आपको 4 दे रहा हूं, है ना, 4 दे दिया मैंने आपको, तो आप मुझे बताएं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना होगा, आप मुझे बताएं x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब क्या होगा, फिर आपको चमत्कार दिखाना शुरू करूंगा। और सभी विद्यार्थी एक बात याद रखें, अभी तक हम किस पर काम कर रहे हैं, केवल प्लस प्लस पर। सर नेगेटिव वाले आएंगे आराम से आएंगे, सब्र कर रखें। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आप कहोगे अरे सर ये क्या बच्चों वाला है, 4 का स्क्वायर माइनस का 2, मैं तो बहुत तेज आदमी हूं, मैं तो देखो 14 आंसर इसका दे दूंगा और पी क्यूब माइनस 3p इसमें लगा दूंगा, और आपसे कहूंगा कि यार आप कैसा पढ़ाते हो। चलिए तो मैंने ये सिंपल से दो एग्जांपल आपके सामने निकलवाए, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, मैं चाहता हूं कि आप x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 निकालें मेरे लिए। अब आप खुद बताएं मुझे, अगर मुझे इसके साथ में ये रिलेट करना हो तो नॉर्मल कंसेप्ट क्या चलता है एक इंसान का, कोई बता सकता है आप में से, वही आप में से कोई भी बता दे। तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप इनमें से क्या चूज करना चाहोगे, तो मेरी खुद का ओपिनियन ये है कि या तो मैं इसका क्यूब कर दूं इसको p मानकर, या फिर मैं इसका स्क्वायर कर दूं इसको p मानकर, तो मैं इस वाले पे ज्यादा रिकमेंडेशन देता हूं भाई, ये ले लो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब है, कर ले स्क्वायर भाई, और स्क्वायर करती देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है कट जाएगा, ये निकालना है इसकी वैल्यू पता है 52 का स्क्वायर माइनस का 2 आंसर आ गया लो, तो ये हो जाएगा 2500 और 2704 में से दो गए तो 2702, चेक कर लेना भाई एक बार, गड़बड़ भी हो सकती है, सही है, बोलो क्या बात है। तो आप पावर 6 भी निकाल सकते हो, और अब आपके दिमाग में आया हाँ पावर 6 निकाल दिया, अगर मुझे पावर 5 निकालना पड़े तो बताओ, तो सड्स और इंडाइसिस का रूल कहता क्या है,
वो कहता है कि भाई इनको गुणा कर दे, घाते जुड़ जाएंगी, तीन और दो पांच। भाई इन दोनों को गुणा करने से घाते जुड़ जाएंगी, तीन और दो पांच। यस, ऐसे ही होता है। और आज तो मेरे फाउंडेशन में सर्स और इंडाइसिस भी शुरू हो रहा है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं भैया जुड़ जाओ, नया बैच है फाउंडेशन बैच। तो अब आप इन दोनों को गुणा करते हैं तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x, इसको गुणा करते हैं तो x प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 बराबर 14 इंटू 52, क्योंकि मैंने दोनों को गुणा किया। ये मुझे निकालना है, x प्लस 1 बाई x की वैल्यू मुझे पता है 4 है, 4 घटा दो बस। तो x की पावर 5 तो 14 इंटू 52 माइनस का 4, तो 14 दूनी 28, 14 पंजे 70 और दो 72, तो 426 आंसर आ गया। ओ 424 आंसर, 724, 4 माइनस भी करना है ध्यान रखना, वो ये वाला x प्लस 1 बाई x वाला। तो 724 आंसर आ जाएगा। मजा आ गया भाई, अर्थमेटिक वाला बुक कब आएगा? दिसंबर में आ जाएगा भाई, है ना, कंप्लीट। एनटीपीसी वाला चल ही रहा है लगातार, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज एक्सप्लेन ब्रीफली। भाई ये ब्रीफ ही है, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हारा फोकस नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट। बाकी बच्चे भी तो कर रहे हैं ना, तुम ही थोड़ी कलेक्टर हो सारे, हाँ, उन और बच्चे सारे आंसर दे रहे हैं तो ये बेवकूफ है। चलिए आइए, अब मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं आपसे, और अभी आपको फिर होमवर्क होमवर्क दूंगा बहुत सारे 34 प्रश्नों का। x प्लस 1 बाय x बराबर, अगर मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया 7 है, तो आप मुझे निकाल के बताएं x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 क्या होगा। तरीका वही है, 2 सेकंड का तरीका है। दिमाग सोचो, आप दिमाग से सोचो कि यार इससे मैं क्या निकालूं और क्या करूं कि ये आ जाए। तो मैं क्यूब निकालूं या इसको छोटा कर लो यार, थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता 7। क्यूब निकालूं और क्यूब से ये निकालना है, हम निकाल के बता दो। क्यूब ले तो नहीं लिया, 3 अपन ने नहीं लिया, चलो करो। चलिए सर क्या करेंगे, सर ये 3 है और ये 6 है पावर। कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हम रखने वाले हैं हमेशा की तरह, जो कि आज भी रखेंगे और पहले भी रखते थे। हम पहले निकाल देंगे x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, जो कि कितना हो जाएगा p क्यूब माइनस का 3p। 27 में से 9 गया तो 18, लेकिन अब आंसर थोड़ी आ जाएगा ये, नहीं नहीं नहीं, अब 6 जाना है तो इसका स्क्वायर लगा। कितना आसान हो गया बताओ, मैं तो यार फैन हो गया ना इस चीज का कि यार आप पावर 6 भी निकाल सकते हो, इजीली कर सकते हो, बहुत इजी है। तो अलग से कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको रटना भी नहीं है, केवल आपको स्क्वायर याद रखना है, आपको क्यूब याद रखना है, आपका काम हो जा रहा है। क्लियर है भाई? लो अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लेता हूं मुझे एक्स की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5 निकाल के बताओ तो जरा, तो क्या करोगे? क्यूब आपने निकाल रखा है, स्क्वायर और निकाल लो। मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, तो पी स्क्वायर माइनस का 2 7 आ गया, इन दोनों को गुणा करके 3 घटा दो, ले 18 इंटू 7 माइनस का 3, 3 क्यों, ये पी घटता है ना, जो घटाया था उसमें 123 आ गया। इतना आसान होता है रियल में, लेकिन ये तभी आसान हो पाया जब आपने एक एक चीज को सिस्टमैटिक पढ़ा, ऐसे आसान नहीं होती चीज। यही तो था, स्क्वायर निकाला, क्यूब निकाला, गुणा किया और पी माइनस कर दो जो मेन है, हो गया काम, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। एक्स
की पावर 2 बाई थ्री प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 बाई थ्री बराबर रूट 3 है, तो एक्स की पावर 6 प्लस सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा, निकालो दिमाग लगाओ, कम ऑन यार, बहुत शानदार चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले तो ये समझो कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो भाई मेरे दोस्त, मैं जब इसको देखता हूं तो x, सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि ये है क्या पावर 6 है, देख लो आप। अगर पावर 6 निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब कितना आ गया, जीरो। ये एक्स क्यूब है, ये स्क्वायर रह जाएगा, बस क्यूब बढ़ गया, ठीक है। और अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना चाहूं तो चार बटे तीन एक। आपको पता है कि इस क्यूब के स्क्वायर से आता है, तो जीरो का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस का, वेरी गुड। तो यहां कितना हो जाएगा, आपके पास ये क्यूब है, इसका स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर माइनस का टू, सिमेट्रिक चल रहा है मामला, क्या बात है सर, तो आंसर माइनस टू आ जाएगा। जीरो वालों दिमाग लगा लो, ऐसे क्वेश्चन नहीं था ये, दिमाग लगाना था इसमें, पर इससे तो कोई लेना देना ही नहीं था हमें, हमें क्यूब से लेना देना है। मैंने क्यूब निकाला, जीरो आया मेरा, मैं खुश भी हो गया, चलो ठीक है भाई जीरो आ गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जीरो के बाद भी तो मुझे इसका वो करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि ये तो क्यूब है, पावर 6 निकाल रहा हूं ना, तो जब इसका स्क्वायर करूंगा तभी तो 4 पे पहुंचूंगा, तो पी स्क्वायर माइनस 2 कर दो आप, तो सिंपल, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो ज्यादा, समझ में आ गई बात, आंसर माइनस 2 होती है ना। ओ कैसे वाले भाई, नेक्स्ट आइए, एक्स 2 बाई थ्री प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 बाई थ्री बराबर, अगर मैं रूट 5 कर देता हूं तो मुझे बताइए आप, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा। कितना अच्छा कंसेप्ट है ना, अब रटना नहीं पड़ा कुछ भी आपको, आइए क्या करोगे सर, आप x स्क्वायर तो निकाल ही सकते हो क्यूब करके, दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो पी क्यूब माइनस का 3p, तो ये निकल कर आया 2√5, 5√5 में से 3√5 गए ना, 2√5, इसका स्क्वायर तो कर ही सकते हो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में यार, सिंपल है, तो पी स्क्वायर माइनस का 2p, माइनस का 2 होगा, 2p क्यों होगा, तो ये हो गया 4 × 5 = 20, माइनस का 2 18 आंसर जिसका आ रहा है सही है, 18 जिसका आंसर है वो सही है। भाई कैसा लगा जल्दी से बता दो, अब आज का होमवर्क आप नोट कर लो बिना किसी दिक्कत के, कल रिवर्स वाले सीखेंगे और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन ये जो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का पढ़ाव है वो कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से,
एक्स प्लस वन बाई एक्स वाला अगर पी होता है तो क्या आप इससे एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो? हाँ। क्या आप इससे एक्स क्यूब निकाल सकते हो? हाँ, क्या है इसमें, निकाल देंगे। क्या आप इससे पावर फोर निकाल सकते हो? बोले यार इसमें क्या है, स्क्वायर का स्क्वायर ही तो है, इस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। क्या आप यहां से एक्स की पावर फाइव निकाल सकते हो? क्यों नहीं, इन दोनों का गुणा करके इसको घटा दूंगा। क्या आप x की पावर 6 निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, क्यूब निकालूंगा फिर पी स्क्वायर माइनस टू लगा दूंगा। तो यही सब आता है, बस पूछ लिया जाता है। ये केवल प्लस का हुआ है अभी, कल माइनस का होगा, और भी टाइप्स आएंगे लेकिन तरीके ये रहने वाले हैं। तो आपके होमवर्क देख लीजिए आप, ये आप फटाफट करने वाले होमवर्क है, एक बार बैठिएगा 5 सेकंड में कर लीजिएगा। प्लस प्लस वाले सारे बैच सब कुछ मिलते हैं यहाँ पर, प्लस में जाओगे ना तो सारी की सारी चीजें मिलेंगी आपको। एसएससी एग्जाम में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 24 महीने का बैच लेना है और साहिल 10 एज ए कोड लगा देना है। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे, अप्लाई कर देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर चलने वाली जितनी भी क्लासेस हैं सभी मिलेंगी आपको, और जितनी भी कैटेगरी है उनमें सब में डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। जुड़िए, रेज एंड फीचर, आस्क के डाउट फीचर सब कुछ मिलेंगे, ठीक है, साहिल 10 कोड लगाकर। पीडीएफ में कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम दोनों पर डाल देता हूँ। ये रिपोर्ट एंड विन है, आप इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर में मजा आया होगा। इसी तरह से मस्त तरीके से पढ़ते रहिए मेरे साथ में, और बेहतर से बेहतर करते जाइए।